इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। हमारा सोच और विचार अच्छा होगा तो ध्यान रखना, एक समय था जब सोच अच्छा था तो गांव में ताले नहीं लगते थे, फिर भी लोग निंदा करते हैं युग की। लोग कहते हैं राम राज्य अच्छा था, हमने कहा राम राज्य क्या अच्छा था, जहाँ पत्नी हर ली जाती थी, जहाँ पत्नी को निकाल दिया जाता था, वो राम राज्य अच्छा नहीं था। वो राम राज्य अच्छा था जहाँ पिता के वचन के लिए एक बेटा राज सिंहासन को ठुकरा देता था। वो राम राज्य था जहाँ अपने पति को सम्मान दिलाने के लिए एक नारी जंगल को स्वीकार कर लेती थी, अपने पति की आबरू इज्जत बचाने के लिए, उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए एक नारी अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती थी। वो चौथा काल सम्मानीय था जहाँ एक नारी, पति को यदि शारीरिक रोग था तो पत्नी को मानसिक रोग था, यानी तन मन से समर्पित थी कि मेरे पति की व्याधि दूर हो जाए, तो एक जल छिड़क देती है तो वो कामदेव का रूप ले लेता है। एक कोड़ी कामदेव हो जाता है, एक सती जब समर्पण के भाव से पति पर गंधोदक छिड़क देती है तो जहरीले सर्प का जहर उतर जाता है, और एक पत्नी जब समर्पण भाव से पति को रोज भोजन करा देती है, खुद भूखी रह जाती है क्योंकि देव दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक अन्न का दाना नहीं लूंगी, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। जहाँ की नारियों में इतना समर्पण हो देव के प्रति, वहाँ देवताओं के आसन भी डोल जाते हैं। कहते हैं करें सेविता की करें देव सेवा, सुने वेन सोगी लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। आपको पता होगा कि एक बेड़ियों में पड़ी हुई आप आभूषणों में जड़े हो तो आपको परमात्मा का ख्याल नहीं आता है। चंदन वाला कितनी वेदना में थी सोचा जाए तो, कि वेदना की पराकाष्ठा थी, जिसका राज्य लुट गया हो, जिसकी माँ उसके आंखों के सामने, जिसकी माँ को आपको पता है बुरी नज़र वाले ने देखने कोशिश की, तो उसकी माँ ने अपनी आबरू को बचाने के लिए स्वयं की कटारी मार ली, उसके बाद भी उस निर्दय सेनापति को लाज नहीं आई, तो इसको जाकर वेश्या के यहाँ बेच देता है। सोच कर देखो कि वक्त ने कितनी मार लगाई, वक्त ने कितनी प्रताड़ना दी। कहते हैं इस जमाने में वफा की कोशिश मत कर, क्योंकि एक वो जमाना था जब धर्म था, महावीर थे, तब भी ऐसे बेईमान लोग थे कि एक सती को आपको पता है बेईमानी से, छल फरेब से फंसा कर, आप सबको पता है कि राजा मारे गए, झूठ बोल देता है, बाद में मारे भी जाते हैं, लेकिन उसे छल फरेब से ले जाता है। और एक सती की हिम्मत देखो कि उस सेनापति की कटारी लेकर स्वयं मर जाती है, लेकिन ऐसे संस्कार थे जिस माँ के, क्योंकि माँ गुरु होती है, माँ के दिए गए संस्कार तमाम जिंदगी काम आते हैं। तो आपसे कहा था कि हम ये नहीं देखें कि हमारा क्या सत्य है, हमारे घर की परंपरा क्या है, हमें लोग क्या शिक्षा देते हैं, हम ये सोचें सत्य क्या है। हम सत्य का साथ देंगे,
हम अपने का साथ नहीं देंगे, हम स्वार्थवादियों का साथ नहीं देंगे। तो आपको पता है जिसके अंदर कूट कूट कर धर्म की भावना भरी थी, वो तहखाने में हो और या बेड़ियों में हो, जिसके बाल मुड़ा दिए हों, कठोर प्रताड़ना दी हो जिसको, उसके अंदर भी रोम रोम में धर्म समाया हुआ था। महावीर, आपको पता है महावीर की सगी मौसी, लेकिन ये नहीं कहा कि महावीर मैं ऐसी पड़ी हूँ, तुम्हारे भगवान बनने का क्या फायदा, तुम परमात्मा हो और मैं बेड़ियों में पड़ी हूँ, तू मेरा बेटा है, लाश तो बचा ले। लेकिन कहती है नहीं, दिगंबर मुद्रा के धारी अब महावीर महावीर नहीं रहे, अब तो महावीर प्रभु हो गए, दिगंबरत्व को धारण कर लिया, महामुनि हो गए। और उन्हें देखकर अंदर में एक वेदना, एक ललक जगती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो, तिस्तो तिस्तो, ये भी भूल गई कि मैं बेड़ियों में बंधी हूँ, मैं कैसे आहार दूंगी, मेरे पास क्या है जो मैंने भला बुला लूंगी। लेकिन नहीं, लगता है कि नहीं, महावीर आए हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। तो ध्यान रखना, देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं, बेड़ियां आभूषण हो जाती हैं, और उड़द के दाल के छिलके 56 प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं। क्यों? कि धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी की अवहेलना नहीं करता है। कहा है क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म किस पर जिंदा रहेगा। हम जब तक संसार हैं तब तक हमें देह की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, धर्मात्मा किसी व्यक्ति विशेष से, किसी परमात्मा से कोई शिकायतें नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है तुम मेरे कष्ट मिटा देना, बल्कि कष्टों से कहता है कि तुम्हें मिटा देंगे, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। उनकी विवेक और बुद्धि, उनकी सोच, उनकी चिंतन शैली मेरे अंदर में समाई है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भगवान से ये नहीं कहता है मेरी कोई वेदना दूर कर देना, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। किसी ने पूछा कि मुनि की क्या परिभाषा है, उन्होंने कहा जो जागता रहे सो मुनि, और जो सोता रहे सो गृहस्थ। आप समझ गए, वो सोना और जागना नहीं, जो अपने विवेक को, जो अपने संयम पर कामयाब रहे, जो अपने संयम के मार्ग पर दृढ़ रहे। संयम का मार्ग मतलब आप घर छोड़कर संयम नहीं पाल सकते हो। लोग कहते जंगल में चले जाएं तभी शांति हो सकती है, हमने कहा अकेले में किससे माथा फोड़ोगे, नीचे आओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तो आप भी ध्यान रखना, हम लोग रोज त्यौहार मना लेते हैं, ये झूठे त्यौहार हैं। ये शिक्षक दिवस उस दिन सम्मान नहीं होगा जब एक समय था लोग पढ़ाई के लिए लड़ते थे। आपने अकलंक और निकलंक का नाटक देखा कि एक समय था हमारे जैन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और उन्होंने प्राणों की आहुति देकर झूठ बोलकर भी सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य का डंका बजाने के लिए, सत्य और अहिंसा महावीर के सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कितना कठिन कठिनाइयों का सामना किया। वो एक समय था जब लोग गुरु के लिए अंगूठा दे देते थे, मिट्टी के गुरु बना लेते थे, तो विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आज का जमाना है कि लोग गुरु को भी अंगूठा दिखा देते हैं। पहले गुरु कहता था देख लेंगे तो शिष्य कांप जाता था, आजकल शिष्य कहता बाहर आना देख लेंगे। आपने सोचा, दिन प्रतिदिन स्कूल कॉलेज शिफ्ट वाइज शिफ्ट क्लासें बढ़ रही हैं, रोज शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन देश में दिन पर दिन भ्रष्टाचार, निकम्मापना, उदंडता, उच्छृंखलता बढ़ रही है। कभी आपने विचार किया, रोज आज का विद्यार्थी कहीं स्कूल जला रहा है, कहीं टेबलें जला रहा है, कहीं स्कूल बसों में
आग लगा रहा है, कहीं चक्का जाम कर रहा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा को हमने गति नहीं दी है। बच्चे जब एक एक दो दो बच्चे होते थे तो माँ बाप के निर्देशन में चलते थे, आज यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जब हजार दस दस हजार बच्चों की ऊर्जा एक जगह एकत्रित होगी और उसे सही दिशा नहीं दी गई तो विस्फोटक हो जाएगी, वो विध्वंस करेगी, और वही ऊर्जा एकत्रित कर ली जाए। आपको पता है शीशे को, सूर्य की किरणें यदि शीशे को एक जगह करके एकत्रित की जाए तो कागज में आग लगा देती हैं। इसी प्रकार से उस ऊर्जा को यदि सही शिक्षक हो, आज शिक्षक के प्रति विनय क्यों नहीं रही, क्योंकि वो भी एक घंटा पहले लेक्चर देखकर आता है कि क्या बोलना है, वो मात्र बोलता है। पहले के गुरु जो बोलते थे वो ज्ञान और चारित्र में होता था उनका, और उनका चारित्र एक प्रति दर्पण होता था जो हमारे रूप को, हमारी गलतियों का अवलोकन करा देता था। तो हमें अपने जीवन में सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं मनाना है, सिर्फ क्षमावाणी नहीं मनाना है, क्योंकि आज क्षमा दुर्जन की ताकत हिंसा है, दुर्जन की ताकत हिंसा है, क्षमा शक्ति है सज्जन की, क्षमा सत्य है, क्षमा तपस्या, क्षमा परम निधि जीवन की, क्षमा कीर्ति है, क्षमा धर्म है, क्षमा वान आदर पाता है, और ऐसे क्षमाशील प्राणी को हर प्राणी चरणों में झुक जाता है, ऐसे क्षमाशील प्राणी के हर प्राणी तो गुण गाता है, क्योंकि हम क्षमा करें, हम जरा जरा सी बातों को लेकर आर्त रोध ध्यान कर लेते हैं, हम लोगों को मित्र और दुश्मन बना लेते हैं, लोग हमारी झूठी तारीफ करते हैं और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं इस ज़माने में वफा की तलाश मत करना, इस ज़माने में वफा की तलाश मत करना मेरे दोस्त। वो वक्त था जब मकान कच्चे और आदमी सच्चे हुआ करते थे, अब मकान पक्के और आदमी कच्चे हुआ करते हैं, क्योंकि ना जाने कब कौन के बटन से कौन दब जाएगा और किस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर हमें पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिल पाएगा, फिर तू दर्पण देखकर किस पर इतराएगा, क्योंकि जब दर्पण देखने वाला ही नहीं बचेगा तो दर्पण फिर किसको दिखाएगा। अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन, पदवंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। हाँ
वरदान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी ने आहार चर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका, जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा, डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, सोला रोड, अहमदाबाद, गुजरात, स्वर्गीय श्री मौजी राम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00002501।